नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बेट ओनली टेक। दोस्तों, YouTube की एक बात है जिस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और मुझे ही नहीं, जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जब YouTube पर हम कोई भी अपनी वीडियो एडवर्ड के थ्रू प्रमोट करवाने की कोशिश करते हैं तो उस वीडियो को वो 24 से 48 घंटे तक रिव्यू करता है। वो देखता है कि इस वीडियो में कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो हमारी वीडियो एडवर्ड के थ्रू प्रमोट नहीं की जाती है। अब अगर ऐसी बात है तो YouTube दोगला व्यवहार क्यों करता है? अभी हो ये रहा है कि अगर आप कोई एजुकेशन की वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर वीगो, हेलो, इस तरह की जो ऐप होती है, इनके बहुत ही ज्यादा निहायत ही घटिया ऐड दिखाए जाते हैं और बहुत ज्यादा एब्यूजिंग उनमें होती है। सीधा वो गाली गलौज करते हैं और वो अचानक से चल जाते हैं। क्या ये सही है? ऐसे एडवर्टीजमेंट को YouTube कैसे कर देता है प्रमोट, ये भी सोचने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, मैं भी मानता हूं कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चार चीजें बहुत ज्यादा चलती है। एक है एंटरटेनमेंट, एक है भक्ति यानी कि डिवोशन, और एक है एजुकेशन, और चौथा मैं बोल नहीं सकता, साइड में देखिए लिखा हुआ है। ये चार चीजें चलती हैं, लेकिन भाई इनका कैटेगरी अलग तो रखो। ये जो चौथी चीज है इसको आप अलग से रखो। आप जो भी वीडियो 18+ आप यूट्यूब पे देखते हैं, जिनमें ईमेल आईडी से पहले लॉग इन करना पड़ता है तब हम उस वीडियो को देखते हैं, इंस्टिगेटेड वीडियो जो होती है, उन वीडियो पे अगर इस तरह के ऐड आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूजर को सुनना ही वो सब कुछ है। लेकिन जब हम मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशन की वीडियो देख रहे हैं, उस पर ऐसा ऐड आता है तो बहुत बुरा लगता है। कई बार तो ये भी होता है कि घर में हम बैठे हैं सबके सामने और हम सोच रहे हैं यार, हम तो हिमेश मदान जी की वीडियो देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देख रहे हैं, या मतलब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख रहे हैं, या कोई एजुकेशन का कंटेंट देख रहे हैं, तो कंटेंट अच्छा है, और हमने जैसे ही क्लिक किया एक गंदा सा वीडियो आ जाता है सामने, वीगो का, हेलो का, दुनिया भर कैसे है, इतना गंदा होता है वो वीडियो कि मैं आपको क्या बताऊं, सीधा गाली गलौज। अगर पेरेंट्स सुनेंगे तो क्या कहेंगे? या तो हमारा फोन तोड़ देंगे, या तो फिर भाई साहब हम मतलब कई बार तो इतना गुस्सा आता है कि फोन ही तोड़ दूं। मतलब अचानक से यार घर में सबके सामने गाली गलौज कैसे चालू हो गया? तो ये चीजें बहुत ही घटिया है, और इस पर मैं यूट्यूब से यही कहना चाहूंगा कि यार शर्म आनी चाहिए आपको, पैसे के लिए इतना मत गिरो, और गिरते हो तो फिर भाई जो क्रिएटर्स हैं इनके लिए सारे के सारे ये टर्म्स कंडीशंस क्यों लगाते हो? जब क्रिएटर अपनी वीडियो को एडवर्ड पे लगाता है तो उसका तो तुम 48 घंटे रिव्यू करते हो। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बहुत सारा पैसा देती है, हाँ मानता हूं वो पैसा क्रिएटर में भी बढ़ता है, सारी चीजें समझता हूं, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि जब आप किसी क्रिएटर की वीडियो को 48 घंटे तक रिव्यू करते हो और देखते हो कि इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, तो जो कंपनीज होती है उनके भी तो वीडियो देखो कि जो रिव्यू में जाएंगे उनमें क्या गंदगी भरी हुई है। तो बस यही था यार कहना, मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि अचानक से वो गाली गलौज वाला एडवर्टीजमेंट आया। आपके पास कितनी बार ऐसा आया? आपको भी गुस्सा आया कि नहीं आया? और आपका भी कभी मन किया कि यार यूट्यूब की ये क्या गलत बात है? तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यार ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। इसी तरह की वीडियोज में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं, ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जब भी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी, कोई भी नई जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।